हाय फ्रेंड्स, मानी मेकर में आपका भरे दिल से स्वागत है। आज हम बात करने वाले इंडिया मार्ट शेयर के बारे में, जिसका लेटेस्ट टारगेट मैंने बताया ही था 8,000। बहुत जल्द जाने वाले, बहुत जल्द, अप्रैल लास्ट तक मैं बोला हूँ। अप्रैल लास्ट तक लगाएगा नहीं, मुझे लगता है मार्च लास्ट तक, मतलब एक महीना होल्डिंग में आपका 30 से 40% आने का सीधा सीधा मुझे यहाँ पे स्कोप नज़र आ रहा है दोस्तों। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसका MFI आपका बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है, ओवरबॉट जोन के आसपास चला गया है और उस हिसाब से RSI बढ़ा नहीं है। तो एक बिग जंप या तो 20% 10% का सर्किट आपको देखते हुए दिखेगा बहुत जल्द। स्टॉक में एंट्री पॉइंट बेस्ट है, ASM GSM लिस्ट में है नहीं, और B2B कंपनी काम क्या करता है, B2B बिजनेस मॉडल है, ऑनलाइन सब्सक्राइबर बेसिस रेवेन्यू जनरेट करता है दोस्तों, और बहुत सारा कस्टमर इसका ऑनलाइन वाइज बेसिस में, और अभी इसके जितने भी वर्कर हैं उनको वीकली पे आउट भी दे रहा है। मतलब इतना ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है कि, और प्रॉफिट आ रहा है कि ये फाइनेंशियल फ्रीडम वर्कर को प्रोवाइड कर रहा है। तो ये बेस्ट वर्क है दोस्तों, बेस्ट जनरेशन बेसिस पे स्टॉक है। आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके इसमें अपना पोजीशन बना सकते हो। जैसे कि 64% बायर अभी भी बुलिश है, और जो सेक्टर PE19 में है, जो PEF 56 में है, ऐसे स्टॉक में बुक वैल्यू भी बहुत ज़्यादा, बुक वैल्यू से भी ऊपर, बहुत ज़्यादा ऊपर में स्टॉक आने वाले टाइम पे ट्रेड करता हुआ दिखेगा। क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इस स्टॉक का बिजनेस मॉडल ही कुछ ऐसा है, वन ऑफ द मोस्ट मोनोपोली बिजनेस सेगमेंट है, और अभी बहुत सारे लोग इस जस्ट डायल भी इसी रेंज में आ गया है, लेकिन इसके मुकाबले नहीं है दोस्तों। फ्यूचर सेगमेंट सारे लोग जितने भी बाइंग और सेलिंग करेंगे तो इंडिया मार्ट जैसे पे आना ही पड़ेगा दोस्तों, आज साल इसी का है। तो बिजनेस मॉडल इसका फ्यूचरिस्टिक है, और प्रॉफिटेबिलिटी देख सकते हो 147 से 279 सीधा सीधा आपका है, 100 करोड़ का प्रॉफिट है। लो प्लेस प्रमोटर होल्डिंग है, और बेस्ट 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 स्टॉक है अभी एंट्री लेने के लिए दोस्तों। 8,000 का टारगेट आपको एक महीने के अंदर आ जाएगा। आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके आप अपना पोजीशन बना सकते हो। वैसे आप अपना चैनल मनी मेकर को सब्सक्राइब करो ऐसे वीडियो देखने के लिए, और बने रहो आप अपने चैनल के साथ। और देख सकते हो MACD लाइन बियरिश से अभी जस्ट बुलिश होने दोस्तों। MFI देखो 73, जस्ट ओवरबॉट जोन में एंट्री ले लिया है, उस हिसाब से RSI आपका 37 में है। तो एक 20% का सर्किट आपको दिखाई दे सकता है इस स्टॉक में, तो ये बहुत जल्द एक हफ्ते दो हफ्ते में हो सकता है, और मार्च लास्ट तक आपको आपका टारगेट अचीव होता दिखेगा। तो बेस्ट एंट्री टाइम है, आप ऐसे स्टॉक में आप अपना पोजीशन एक बनाना चाहते हो। जो लोग ऊपर लेके फंस गए उसका होल्ड करने का सलाह रहेगा, और फ्रेश फ्रेश बाइंग के लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। थैंक्स फॉर